बुलंदशहर कोरोना की जिले में हल्की पड़ती लहर के साथ साथ कोरोना के उस दौर को भुलाया नहीं जा सकता जब हर गली और मोहल्ले से बीमारी और मौत की आ रही थी खबर। जिले के सिकंदराबाद में 26 जून शनिवार को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें करीब 700 लोगों को वैक्सीन लगाना किया गया तय। गौरतलब है कि ये कैंप आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया आयोजित, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को लगाई जा रही वैक्सीन। कैंप में मास्क तो लगा रखे थे सभी ने, लेकिन स्वयं सेवकों के पुरजोर प्रयासों के बावजूद सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे लोग। हम आपको बता दें, नगर सिकंदराबाद में संघ द्वारा अब तक करीब 2700 वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। या न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कितनी वैक्सीन यहां पर लगवाई जा चुकी है? यहाँ में लगभग 2700 वैक्सीन लगवाई जा चुकी है और संघ अपना एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चला है और इसे जरूर पूरा करेगा। धन्यवाद। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हुए हैं सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर वैक्सीन का जो कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। अब कितनी यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएंगी और किस प्रकार ये कार्य योजना इनकी संभव हो रही है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं और किन के माध्यम से वैक्सीन लगवाई जा रही है। सतीश चंद्र गैर के प्रमुख संचालक है राष्ट्रीय संयंत्र संघ सिकंदराबाद। तो ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर कितनी संख्याओं वैक्सीन लगेंगे? यहाँ का आज का टारगेट 751 वैक्सीन लगाने का है, जिसमें से 151 वैक्सीन अब तक सुबह से लग चुकी है। तो मैं जानना चाहूँगा ये किनके द्वारा ये कार्यक्रम होना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से यह अभियान नगर में लिया जा रहा है। इससे पूर्व 7 शिविर लग चुके हैं, आज ये 8वां शिविर चल रहा है और अभी तक 2500 से अधिक वैक्सीनेशन संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया जा चुका है। मैं सब जानना चाहूंगा आपका परिचय। बीएस सक्सेना भारत की राष्ट्रीय यहाँ पर वैक्सीनेशन की कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा है। कोशिश हमारी यही है, लोगों को हम कूपन भी जारी करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद कूपन दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप ये जाते ही अंदर जाए, कोशिश यही की जा रही है। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और अब तक 151 वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है, तो बाकी धीरे लगाई जा रही है। रही बात सोशल डिस्टेंस की, उसके लिए यहाँ पर कार्यकर्ता और स्वयं सेवक पूरा प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कि इस प्रयास में वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। कैमरा पर्सन तरुण गर्ग के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद।